अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यूथ। आज की ये वीडियो लेटेस्ट एडमिशन्स के हवाले से है, लेटेस्ट मुफ्त कोर्सेज के हवाले से है, फ्री कोर्सेज करवाए जा रहे हैं बेनज़ीर यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से। शहीद बेनज़ीर भुट्टो का जो यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम है 2024 का, ये पहले भी होता रहा है और अब ये दोबारा जो है वो लेटेस्ट अनाउंस किया गया है 2024 के लिए। इसका आप लोगों को मुकम्मल इश्तहार दिखाएंगे, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये फ्री कोर्सेज़ हैं, किस तरह के कोर्सेज़ हैं और इसमें अप्लाई करने के बाद आप लोगों को क्या क्या फ़ायदे हासिल होंगे। इसके अलावा इसमें अच्छी खबर ये है कि मर्द व ख़वातीन दोनों ही अहल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लड़के और लड़कियाँ, बिल्कुल मुफ्त कोर्सेज़ हैं। और तालीम इसमें जो है वो मैट्रिक भी चाहिए और इंटरमीडिएट भी चाहिए। मैट्रिक की बुनियाद पर भी आप लोग इन जो एडमिशन्स हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग किस तरह अप्लाई कर सकेंगे तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। अगर आप लोग इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पे पूरे पाकिस्तान की जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल इन्फो फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएँ ताकि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब से बाखबर रह सकें। ये इन एडमिशन्स का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, आप लोग अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। BBSYDP बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से महकमा सेहत हुकूमत सिंध में जो है वो प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट के तहत ये फ्री कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के छठे फेज़ के तहत पैरामेडिकल और कम्युनिटी मिडवाइफरी ट्रेनिंग कोर्सेज जो है वो उनके लिए दाखिलों का इश्तिहार जारी कर दिया है। अब इसमें जो है वो एक साल वाले कोर्सेज भी हैं, इसके अलावा कम्युनिटी मिडवाइफरी CMW का कोर्स भी है, तो इसका आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है प्रोग्राम मैनेजमेंट यूथ बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम महकमा सिंध हुकूमत सिंध की तरफ से सिंध भर के मर्द व ख़वातीन उम्मीदवारान को दर्ज झेल मयार अहलियत पर पूरा उतरते हों, यानी कि इसमें जो है वो पूरा सिंध अहल है, इसमें कोई डोमिसाइल वैली और ये सीट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, पूरा सिंध ही अहल है, पूरा सिंध अप्लाई कर सकता है इसमें और मर्द व ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो है वो पैरामेडिकल कोर्स हैं जो कि 12 महीनों के हैं, इसके अलावा कम्युनिटी मिडवाइफरी CMW का कोर्स है जो कि 18 महीने का है, तो वो जो है वो करवाए जा रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने अलग बताया हुआ है कि ये इदारे हैं और इसमें ये जो इलाके के लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये जो है इनके इदारों के नाम हैं, इसके अलावा ये जो है इनमें कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं और ज़िलों के नाम हैं, तो आप लोग ख़ुद भी देखिएगा। ये देखें GPMC कराची का जो इदारा है, इसमें OT का, लेबॉर्टरी का, DSA डिस्पेंसर और जो है वो और भी कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं। और ये जो है कराची के ज़िले वालों के लिए हैं, जो कराची में रहते हैं वो GPMC कराची में ये कोर्सेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सिविल अस्पताल कराची में करवाए जा रहे हैं OT का, डिस्पेंसर का, एनेस्थीजिया का, पीट्स का, ऑप्थेलेमिक अल्ट्रासाउंड का, प्रोस्थेटिक का, CT स्कैन का और CMW का, तो जो लोग करना चाहते हैं सिविल अस्पताल कराची में वो कर सकते हैं। इसके अलावा सिंध गवर्नमेंट लियारी जनरल अस्पताल कराची में डिस्पेंसर, एनेस्थीजिया और एक्सरे का कोर्स करवाया जा रहा है। इसके बाद सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल लियाकताबाद कराची में OT, एनेस्थीजिया, एक्सरे टेक्नीशियन, अल्ट्रासाउंड और CMW का। इसके अलावा सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोरंगी 5 कराची में लैब टेक्नीशियन का, डिस्पेंसर, पीड्स, अल्ट्रासाउंड और CMW का कोर्स जो है वो मुफ्त में करवाया जा रहा है। तो कराची वालों के लिए ये तमाम हॉस्पिटल्स थे। इसके बाद जो है वो सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल शाह भिटाई हैदराबाद में ये एक हॉस्पिटल है, इसमें OT का, लेबॉर्टरी का, DSA का, डिस्पेंसर, एनेस्थीजिया और लैब टेक्नीशियन के कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, ये हैदराबाद वालों के लिए है। इसके अलावा ज़िला मिटियारी टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार और जामशोरों के भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा जो हॉस्पिटल है हैदराबाद के लिए वो है लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद, जिसे सिविल अस्पताल हैदराबाद भी कहते हैं। इसमें जो है वो OT, लेबॉर्टरी, डिस्पेंसर, एनेस्थीजिया, पीड्स, ऑप्थेलेमिक अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन के जो कोर्सेज़ हैं वो करवाए जा रहे हैं मुफ्त में, जिसमें जो है वो मिटियारी हैदराबाद टंडो मोहम्मद खान टंडोलायार और जामशोरों के लड़के लड़कियां अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है PMCHS नवाबशाह, जिसमें OT, लेबॉर्टरी, DSA, डिस्पेंसर, एनेस्थीजिया, एक्सरे टेक्नीशियन और CMW के कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं, जिसमें शहीद बेनज़ीराबाद के लड़के लड़कियाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कोर्सेज़ जो है वो काफ़ी सारे हैं और इदारे भी बहुत सारे हैं, तो आप लोगों को अगर आप लोग एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो लाजमी अप्लाई कीजिएगा। इसके बाद है CMH लड़काना का हॉस्पिटल, जिसमें OT, लेबॉर्टरी, DSA, डिस्पेंसर, एनेस्थीजिया, एक्सरे टेक्नीशियन और CMW के कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं, जिसमें लड़काना और मुतल्लिका ज़िले कश्मीर कंदकोट और कंबर शिदादकोट के मर्द व ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद RBUT अस्पताल है शिकारपुर में, जिसमें OT, डिस्पेंसर और एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स करवाया जा रहा है, जिसमें शिकारपुर के मर्द व ख़वातीन अहल हैं। इसके बाद सिविल अस्पताल दादू में OT, लेबॉर्टरी, डिस्पेंसर और CMW का, जिसमें दादू वाले अहल हैं। इसके बाद सिविल अस्पताल बदीन है, जिसमें OT, DSA और डिस्पेंसर का कोर्स करवाया जा रहा है, जिसमें बदीन वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है सिविल अस्पताल ठट्टा, जिसमें OT, लेबॉर्टरी और डिस्पेंसर का कोर्स करवाया जा रहा है और ठट्टा और ज़िला सजावल के जो मर्द व ख़वातीन हैं वो अहल हैं अप्लाई करने के लिए।
इसके बाद सिविल अस्पताल मिट्टी में डिस्पेंसर और एक्सरे का कोर्स करवाया जा रहा है, जिसमें थरपारकर और मिट्टी के मर्दों खवातीन अहल हैं। और सिविल अस्पताल सांगढ़ में ओटी लेबोरेटरी डिस्पेंसर एनेस्थीजिया पीड्स ऑप्थेलेमिक और सीएमडब्ल्यू का कोर्स करवाया जा रहा है, जिसमें सांगढ़ के मर्दों खवातीन अहल हैं। सिविल अस्पताल खैरपुर में ओटी लेबोरेटरी डिस्पेंसर एनेस्थीजिया एक्सरे पीड्स और सीएमडब्ल्यू में खैरपुर के मर्दों खवातीन अप्लाई करेंगे। सिविल अस्पताल जैकबाबाद में ओटी डिस्पेंसर और एक्सरे, जिसमें जैकबाबाद से अप्लाई किया जा सकता है। सिविल अस्पताल मीरपुर खास में ओटी लेबोरेटरी डीएसए डिस्पेंसर एनेस्थीजिया एक्सरे और सीएमडब्ल्यू का कोर्स करवाया जा रहा है, जिसमें मीरपुर खास उमरकोट और थरपारकर के मर्दों खवातीन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये दो आखिरी हैं, जिसमें सिविल अस्पताल नौशेरो फिरोज में ओटी लेबोरेटरी डिस्पेंसर डीएसए एनेस्थीजिया और एक्सरे का कोर्स है, जिसमें नौशेरो फिरोज वाले अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा सिविल अस्पताल सखर में ओटी लेबोरेटरी डिस्पेंसर डीएसए एनेस्थीजिया एक्सरे और सीएमडब्ल्यू में सखर और ज़िला गोंगी के लोग अप्लाई कर सकेंगे। अब जो लोग अप्लाई करने में अहल हैं और जो इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए, तो वो एक बात जान लें कि पैरामेडिक्स के कोर्स के लिए उम्मीदवारान जो हैं वो सिंध के किसी भी बोर्ड से मजमूई तौर पर कम से कम 45% नंबरों के साथ उन्होंने साइंस बायोलॉजी के साथ मैट्रिक पास किया हो। यानी जो एक साल वाले कोर्सेज हैं उसमें भी आपने जो है वो 45% नंबरों के साथ मैट्रिक पास किया हो, और लाजमी है कि आपने बायोलॉजी पढ़ी हो, साइंस के साथ आपने पास किया और अपनी मैट्रिक में आपने बायोलॉजी पढ़ी हो। इसके अलावा सीएमडब्ल्यू के कोर्सेज के लिए भी पूरा सिंध जो है वो अहल है, और पूरे सिंध में से आपने किसी भी बोर्ड से 40% नंबर लिए हैं अगर मैट्रिक में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सूबा सिंध का डोमिसाइल और पीआरसी होना लाजमी है। इसके अलावा पैरामेडिक्स के लिए उम्मीदवार की उम्र इश्तहार की अशात के वक्त 18 से 35 साल हो, और सीएमडब्ल्यू के लिए 18 से 40 साल हो। एज लिमिट भी बता दी गई। और जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई करने के लिए अहल हैं, वो लोग अप्लाई करेंगे। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवारान को दर्जा ज़ेल मुकर्रा फार्म के ज़रिए तरबियत के लिए दरख्वास्त जमा करानी होगी, जो मंदरजा ज़ेल बाला तरबियती इदारों में वेबसाइट पर भी दस्तयाब है, यानी कि www.bbscydp.sindh.gov.pk। इस पर जाकर आप लोगों को फॉर्म मिलेगा, आपने वो फिल करना होगा। नादरा के CNIC या बे फॉर्म, मेट्रिक मार्क्स सर्टिफिकेट और सिंध के डोमिसाइल और PRC की बाज़ाब्ता तस्दीकशुदा नकूल दो फोटोग्राफ्स मुंसलिक करना होंगी। इसके बाद जो है आपने क्या करना है, हर एतबार से हसब ज़ाबता और शुदा दरख्वास्त फॉर्म्स प्रोजेक्ट डायरेक्टर हेल्थ डिपार्टमेंट 3rd फ्लोर मुल्हिक आई वार्ड सर्विस हॉस्पिटल MA Jinnah Road कराची को आपने जो है वो भेजना होगा। आप लोग ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं, भेज भी सकते हैं, और बाकी आप लोगों को मालूमात जो है वो इस वेबसाइट से मिल जाएगी। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें रोजाने की बुनियाद पर जॉब्स के बारे में जानने के लिए। अल्लाह हाफिज़।